हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल शैक्षिक पटल पर। इंसान वैसा ही बन जाता है जैसी वह सोच रखता है, यह कथन छोटे बड़े हर व्यक्ति पर लागू होता है। आप जिंदगी में सफल तभी हो सकते हैं जब आप सफलता प्राप्त करने के प्रति अपनी सोच को सकारात्मक रखें। अगर अपनी कमियां ढूंढ ढूंढ कर खुद को कमतर ही आंकते रहेंगे तो कभी सफलता की ओर कदम नहीं बढ़ा पाएंगे। आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल तभी हो सकते हैं जब आप अपनी योग्यता का 100% प्रयोग करें। अगर आप थोड़ी सी परेशानियों से घिरने पर खुद की क्षमताओं पर ही संदेह करने लगेंगे तो सफल होना असंभव है। हो सकता है कि एक बार प्रयास करने पर सफलता न मिले, लेकिन अगर आप नकारात्मकता से दूर होते हुए पूरे मन से प्रयास करेंगे तो सफलता मिलनी तय है। सकारात्मक सोच का संबंध सिर्फ आपके करियर से ही नहीं, यह आपके परिवार और सामाजिक जीवन से भी जुड़ी हुई है। नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति अपने आसपास एक ऐसा नकारात्मक माहौल बना लेते हैं जो उनके साथ साथ उनके आसपास के लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालता है। कभी ध्यान दें कि जब आप जीवन के प्रति सकारात्मक बातें करते हैं तो बहुत से लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं। वहीं अगर आप हर समय जीवन के नकारात्मक पहलुओं को ही कुरेदते रहते हैं तो हर कोई आपसे बचना चाहता है। कुछ लोग अक्सर ऑल इज वेल कहते हैं कि यह जुमला कहने का मतलब यह नहीं कि सारी परेशानियां खत्म हो गई, बल्कि इसे बोलने का मकसद हमारे सामने पेश आने वाली परेशानियों से लड़ने की शक्ति पाना है। ऑल इज वेल, सब ठीक हो जाएगा। अपनी जिंदगी का लक्ष्य बनाकर चलें तो दिमाग को भटकने से बचाया जा सकता है। किसी भी अप्रिय स्थिति का सारा दोष खुद पर ही ना बढ़े, इसके लिए परिस्थितियां भी दोषी हो सकती हैं। आपकी योग्यता इसमें है कि आप इन परिस्थितियों को खुद पर हावी ना होने दें और खुद में सकारात्मकता का संचार करें। इसमें आपके नज़दीकी दोस्त रिश्तेदार आपकी मदद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक कहानी। पुराने समय की बात है, एक गांव में दो किसान रहते थे। दोनों ही बहुत गरीब थे। दोनों के पास थोड़ी थोड़ी जमीन थी। दोनों उसमें ही मेहनत करके अपना और अपने परिवार का गुजारा चलाते थे। अकस्मात कुछ समय पश्चात दोनों की एक ही दिन एक ही समय पर मृत्यु हो गई। यमराज दोनों को एक साथ भगवान के पास ले गए। उन दोनों को भगवान के पास लाया गया। भगवान ने उन्हें देखकर उनसे पूछा, अब तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारे इस जीवन में क्या कमी थी, अब तुम्हें क्या बना के मैं पुनः संसार में भेजूं। भगवान की बात सुनकर उनमें से एक किसान बड़े गुस्से में बोला, हे भगवान, आपने इस जन्म में मुझे बहुत घटिया जिंदगी दी थी। आपने कुछ भी नहीं दिया था। पूरी ज़िंदगी में बैल की तरह खेतों में मैंने काम किया है। मैंने जो कुछ भी कमाया बस पेट भरने में लगा दिया। ना ही कभी अच्छे कपड़े पहन पाया, ना कभी अपने परिवार को अच्छा खाना खिला पाया। जो भी पैसे कमाता था कोई आकर मुझसे लेकर चला जाता था। मेरे हाथ में कुछ नहीं आया। देखो कैसी जानवरों जैसी ज़िंदगी है। उसकी बात सुनकर भगवान कुछ समय मौन रहे। पुनः उस किसान से पूछा, तो अब क्या चाहते हो तुम, इस जन्म में मैं तुम्हें क्या बनाऊँ। भगवान का प्रश्न सुनकर वह किसान पुनः बोला, भगवान आप ऐसा कुछ कर दीजिए कि मुझे कभी किसी को कुछ देना ना पड़े, मुझे तो अपने चारों तरफ पैसा ही पैसा मिले। अपनी बात कहकर वह किसान चुप हो गया। भगवान से उसकी बात सुनी और कहा, अब तुम जा सकते हो, तुम्हें ऐसा ही जीवन दूंगा जैसा तुमने मांगा है। उसके जाने के बाद भगवान ने पुनः दूसरे किसान से पूछा, तुम बताओ तुम्हें क्या बनना है, तुम्हारे जीवन में क्या कमी थी और तुम क्या चाहते हो। उस किसान ने भगवान के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे भगवान, आपने मुझे सब कुछ दिया, मैं आपसे क्या मांगू। आपने मुझे एक अच्छा परिवार दिया, कुछ जमीन दी जिस पे मैं मेहनत करके अपने परिवार को एक अच्छा जीवन दे सकूं। खाने के लिए आपने मुझे और मेरे परिवार को भरपेट भोजन दिया। मैं और मेरा परिवार कभी भूखे पेट नहीं सोया। बस एक ही कमी थी मेरे जीवन में जो आपने पूरी कर दी। पूरे अफसोस रहा, पूरी ज़िंदगी मुझे अफसोस रहा और आज भी है। मेरे दरवाजे पे कभी कुछ भूखे प्यास लोग आते थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।
और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मैं और मेरा परिवार कभी भूखे पेट नहीं सोया। बस एक कमी थी मेरे जीवन में जिसका मुझे अपनी पूरी जिंदगी अफसोस रहा और आज भी है। मेरे दरवाजे पे कभी कुछ भूखे और प्यासे लोग आते थे भोजन मांगने के लिए, परंतु मैं कभी कभी भोजन होने के कारण उन्हें नहीं दे पाता था क्योंकि मेरे पास भोजन ही नहीं होता था और वे मेरे द्वार से भूखे लौट जाते थे। भगवान ने उसकी बात सुनकर उससे पूछा, तो अब क्या चाहते हो तुम? इस जन्म में मैं तुम्हें क्या बनाऊँ? किसान भगवान से हाथ जोड़ते हुए विनती किया, हे प्रभु, आप मुझे ऐसा कुछ कर दो कि मेरे द्वार से कभी कोई भूखा प्यासा ना जाए। भगवान ने कहा, तथास्तु, तुम जाओ, तुम्हारे द्वार से कभी कोई भूखा प्यासा नहीं जाएगा। अब दोनों का पुनः उसी गाँव में एक साथ जन्म हुआ, दोनों बड़े हुए। पहला व्यक्ति जिसने भगवान से कहा था उसे चारों तरफ से केवल धन ही धन मिले और मुझे कभी किसी को कुछ देना ना पड़े, वह व्यक्ति उस गांव का सबसे बड़ा भिखारी बना। अब उसे किसी को कुछ देना नहीं पड़ता था और कोई भी आता था उसकी झोली में पैसे डाल के जाता था। और दूसरा व्यक्ति जिसने भगवान से कहा था कि उसे कुछ नहीं चाहिए, केवल इतना हो जाए कि उसके द्वार से कभी कोई भूखा प्यासा ना जाए, वह उस गांव का सबसे अमीर आदमी बना। ईश्वर ने जो दिया है उसी में संतुष्ट होना बहुत आवश्यक है। प्राय देखा जाता है कि सभी लोगों को हमेशा दूसरों की चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं और इसके चक्कर में वो अपना जीवन भी अच्छे से नहीं जी पाते। हर बात के दो पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। अब ये आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप चीज़ों को नकारात्मक रूप से देखते हैं या सकारात्मक रूप से। अच्छा जीवन जीना है तो अपनी सोच को अच्छा बनाना होगा, चीज़ों में कमियां निकालना बंद करना होगा, बल्कि जो भगवान ने दिया है उसका आनंद लीजिए। हमेशा दूसरों के प्रति विनम्रता रखिए। मनुष्य के शब्द नहीं बोलते किंतु उसका संस्कार जरूर बोलता है। शब्द किसी मनुष्य के संस्कारों के मूल्यांकन का सबसे प्रभावी और सटीक आधार होता है। स्वभाव में विनम्रता, शब्दों में मिठास और कर्म में कर्तव्य निष्ठा, ये श्रेष्ठ संस्कारों के परिचायक हैं। इसका सीधा सा अर्थ यह हुआ कि आपकी परवरिश श्रेष्ठ संस्कारों में हुई है। मनुष्य जीवन एक दुकान है तो जुबान उस दुकान का ताला है। जुबान रूपी ताला खुलने पर ही मालूम पड़ता है कि इसके अंदर क्या भरा पड़ा है। हीरे रूपी सद्गुण या कोयले रूपी कुसंस्कार। माना कि शब्दों के दांत नहीं होते, मगर जब शब्द काटते हैं तो दर्द बहुत देते हैं। कभी कभी घाव इतने गहरे होते हैं कि जीवन निकल जाता है पर शब्दों के घाव नहीं भर पाते। इसीलिए जीवन में जब भी बोला जाए मर्यादा में रहकर भी बोला जाए, ताकि किसी दूसरे के द्वारा आपके संस्कारों के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह ना खड़ा किया जा सके। एक बात और, कुशब्द प्रयोग से निःशब्द हो जाना कई गुना बेहतर है। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद। नमस्कार।